इतनी मुख्तसर है और कल आपकी ज़िंदगी के लिए दोबारा ये तीसरी मुलाकात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। जब ये बच्चा पैदा हुआ था हम आए थे ये राग उधर, यस, फिर ये बच्चा थोड़ा सा नौजवान हुआ था फिर हम आए थे, बिल्कुल आज ये पूरा जवान हो गया हम आए हैं। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आप इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस पे आते रहे, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस आपने कवर किए हैं, तो आज आप देख रहे हैं जब पूरा कराची इस वक्त डूबा हुआ है और जिस जगह आप खड़े हैं ये जगह बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है और यहाँ पे बिजनेस भी है, लोगों की रेलवे भी है, सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, जिंदगी हवा दवा है। माशाल्लाह लगता है आप कहीं जंगल पर खड़े हैं, तो मरी की तरह लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जिस भी इन पे ये चीज़ बनाई गई थी उस वक्त तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, तभी जब तो अभी जो फ्लड आया है इस हफ्ते का, अब लोगों को समझ आ रही है कि किस मकसद के लिए बनाया गया था। ये इसी फ्लड को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था कि जब भी पानी आए ये पानी सारा टाइल्स में और वेल्स में और जो मेरी जो बैक साइड पर फॉरेस्ट देख रहे हैं कि इनमें सारा चूस लेगा ये पानी, तो ये सारा पानी इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया है। माशाल्लाह आप बाहर से कोई पानी लाने की जरूरत नहीं और यहीं से सारी चीज़ें हो गई। जी हाँ बिल्कुल, ये पानी बनाया ही इसलिए, ये मिनिमम वाटर बिल्कुल कम से कम पानी में ये हमारा फॉरेस्ट होता है। फिर ये जो ज़मीन हमारी होगी है ये इतनी शराब हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा कराची इसमें कंक्रीट बन गया है, कंक्रीट का जंगल है सारा, तो जहाँ जहाँ भी आप देखें पानी सारा नालों में जा रहा है फिर समुंदर में जा रहा है। और इस एरिया का जो 400 फुट का तकरीबन एरिया है जो हमारा बनता है, इसके अंदर जितना भी पानी है ये 100% पानी ज़मीन अब्जॉर्ब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।